ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। JSR टाइम्स, बदलते भारत का विश्वसनीय चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं JSR टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जया हनुदिया। आइए नजर डालते हैं सुपर 7 खबरों पर। कोरोना वायरस से इटली में 24 घंटे के अंदर 475 लोगों की मौत हुई है। बता दें, एक दिन में कोरोना से दुनिया में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके चलते अब तक इटली में कोरोना से 2978 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के चलते परीक्षाएं हुई स्थगित, नोएडा सहित कई जगह लागू हुई धारा 144। बता दें, देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है, जिनमें 25 विदेशी नागरिक शामिल है। वहीं अब तक हो चुकी है 3 लोगों की मौत। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, हो सकता है कमलनाथ सरकार के भविष्य का फैसला। बुधवार को कोर्ट ने माना कि कमलनाथ सरकार की किस्मत 16 बागी विधायकों के हाथों में। निर्भया केस के दोषियों को फंदे पर लटकाने को तैयार जल्लाद। चारों दोषियों को फांसी देने के लिए पवन नामक जल्लाद ने पुतलों को फांसी देकर किया अभ्यास। बता दें, दोषियों को 20 मार्च सुबह 5:30 बजे दी जाएगी फांसी। कोरोना वायरस की चपेट में आए छोटे पर्दे के सीरियल तारक मेहता से लेकर कपिल शर्मा और कई बड़े शो की शूटिंग हुई बंद। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हो रहा करोड़ों का नुकसान। क्रिकेट पर भारी पड़ा कोरोना। ऑस्ट्रेलिया से लौटी न्यूजीलैंड टीम के सभी प्लेयर्स सेल्फ आइसोलेशन वार्ड में। क्रिकेट बोर्ड ने कहा, प्रधानमंत्री के आदेश पर लिया गया यह फैसला। बता दें, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे खेले जाने थे, जो रद्द हो चुके हैं। कोरोना वायरस के कोहराम के चलते भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1600 अंक लुढ़क गया, तो वहीं निफ्टी में भी 300 अंक से अधिक की गिरावट देखी गई। सुपर 7 खबरों में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए JSR टाइम्स।